दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम आज इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं बेटा? नंबर एक पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स, और थर्ड वन है वो है मोनोसैकेराइड्स, तो ये तीन कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये कैटेगरीज हैं, ये किस आधार पर हैं कि भाई इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो लाइक ग्लूकोज, वो रिपीट होकर के इन डिफरेंट डिफरेंट को कैटेगरीज को बनाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉलीसैकेराइड। हालांकि इनकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन आज हम इसकी कर रहे हैं केवल डाइजेशन की बात, ठीक है। इनकी ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। तो बेटा क्या है कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, आप एक बार समझें इसको। जैसे मैं बता रहा हूं, पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, पॉलीसैकेराइड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? मोनोमेरिक यूनिट, जैसे कि ग्लूकोज आप मान लीजिए, इसमें बहुत सारी होती हैं। लेकिन जैसे ही इसका डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो ये पहले किस में टूटेगा? डाइसैकेराइड में, ठीक है। दो यूनिट होती हैं केवल, जैसे कि इसमें क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज, और इसमें क्या होंगे, केवल एक ग्लूकोज प्लस सेकेंड ग्लूकोज, फर्स्ट एंड सेकेंड दो ग्लूकोज यूनिट्स रहेंगी, देन इट इज डाइसैकेराइड। और जब ये ब्रेकडाउन होगा और सिंपल में, तो और सिंपल क्या हो जाएगा, वो मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड यूनिट में क्या आया, केवल एक ग्लूकोज आया, ठीक है। अब इसका डाइजेशन होगा लास्ट में तो क्या होगा बेटा, आपको पता है, जैसा कि रेस्पिरेशन में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि किस में टूटेगा ग्लूकोज, CO2 प्लस वाटर प्लस कुछ एनर्जी, पॉइंट क्लियर। तो ये है आपका कंप्लीट एक डाइजेशन का प्रोसेस जो हम स्टडी करेंगे बाय एंड बाय। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल फिर ले लेते हैं एक बार, जैसे कि आपने ना सीरियल इनटेक किया, मींस आपने एक गेहूं खाया, ठीक है, व्हीट आपने खाया, व्हीट से बनी हुई चपातीज आपने खाई, तो उसमें क्या है, स्टार्च, क्या है, स्टार्च। तो स्टार्च क्या हो गया, एक पॉलीसैकेराइड, समझे मेरी बात, स्टार्च क्या हो गया, एक पॉलीसैकेराइड। अब जो स्टार्च है वो टूटा किसमें, डाइसैकेराइड में, समझ में आई बात। डाइसैकेराइड यहां आप कुछ कंसिडर करें, जैसे कि आप डाइसैकेराइड में कुछ कंसिडर करें, जैसे कि माल्टोज, या आइसो माल्टोज जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, तो ये क्या हो गया, डाइसैकेराइड, ठीक है। अब इसकी जब ब्रेकडाउन हुई, ये क्लियर, अब इसकी जब ब्रेकडाउन हुई तो किसमें टूटा, ये मोनोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड क्या होता है बेटा, ग्लूकोज यहां पर, ठीक है। तो यहां एक बार समझें कि पॉलीसैकेराइड हमने माना कि स्टार्च है, जब उसकी ब्रेकडाउन हुई तो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ, दैट इज माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। जब इसकी ब्रेकडाउन हुई तो किसमें कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, मोनोसैकेराइड। तो ये कंप्लीट एक सीक्वेंस होती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, जो बारी बारी हम स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कहां पर इनका डाइजेशन होता है। अब हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी का मतलब बेटा बक्कल कैविटी, मींस माउथ में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाया था पीछे कि सब माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, वो सीक्रेट करती हैं क्या, स्लाइवा। ये सब हमने बताया था, कितना होता है,
1 to 1.5 लीटर पर डे। इसमें एक खास बात बताई थी कि एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज का पुराना नेम क्या है, टाइलिन। क्लियर। अब जब माउथ के अंदर फूड को चर्न किया जाता है तो फूड है वो सलाइवा में मिक्स होता है, मेरे पास समझे, वो फूड है वो सलाइवा में, फूड जो है वो सलाइवा में क्या हो जाता है, मिक्स, ठीक है। और उसमें जितनी बार, देखो एक क्वेश्चन आता है कि बार बार चबाकर खाना खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितनी बार हम फूड को चबाएंगे उतना ही ज्यादा सलाइवा उसमें मिक्स होगा, उतना ही ज्यादा जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका एक्शन बढ़ेगा। और सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन क्या है, वो क्या करता है, स्टार्च को, वो स्टार्च को, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स बताया था, पॉलीसैकेराइड बताया था स्टार्च, तो स्टार्च को सिंपल और डाइसैकेराइड में तोड़ देगा जिसका नेम क्या हो जाएगा यहां पर, माल्टोज, क्या हो जाएगा, और आइसोमाल्टोज, और क्या हो जाएगा, डेक्सट्रिन आल्सो, ठीक है, और क्या हो जाएगा, डेक्सट्रिन। तो बेटा जो स्टार्च है उसका डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में, बक्कल कैविटी में 30% डाइजेशन होता है, कितना परसेंट होता है, 30% डाइजेशन कहाँ होता है, स्टार्च का, हमारे बक्कल कैविटी में। और जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, क्या है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसका मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और इस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का जो एक्शन है वो सबसे बेस्ट किस पीएच पर होता है, ये पीएच पर होता है 6.8 पर, तो 6.8 पीएच के ऊपर बेस्ट एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे ही आपको बताया भी था मैंने, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो क्या था, एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, क्या था ये, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम था लाइसोजाइम, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसमें होता है बाइकार्बोनेट आयंस, क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, क्या बताया बेटा, बाइकार्बोनेट आयंस, इनका काम क्या होता है, कुछ जो स्लाइवा है उसकी हेल्प से, ध्यान सुनो, स्लाइवा में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और स्लाइवा की हेल्प से फूड में कुछ अमाउंट में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्या करता है, देखो सुनो, बाइकार्बोनेट आयंस फूड में कुछ एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ये कहाँ होता है, स्लाइवा में। इट मींस स्लाइवा किस में हेल्प कर रहा है, यहां पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सम व्हाट एसिडिक नेचर ऑफ फूड। ऐसे ही एक और होता है आयन जिसका नाम होता है थायोसाइनेट, थायोसाइनेट आयन, ये थायोसाइनेट आयन है, ये क्या करता है, ये भी सलाइवा में है, ये भी कुछ एंटीबैक्टीरियल होता है, क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करता है, प्रिवेंट, क्लियर, ओके। और कुछ और भी है यहां पर, कुछ खास बातें बेटा, आपको पता है म्यूकस होता है, ठीक है, सलाइवा में भी कुछ अमाउंट में म्यूकस होता है जो फूड को लुब्रिकेट करता है और न्यूट्रलाइज भी करता है, म्यूकस भी होता है यहां पर जो क्या करता है, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है इसोफेगस के लिए, ऑफ इसोफेगस, क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ
इसोफेगस एंड ऑल्सो डिजोल्व सम फूड एंड ऑल्सो डिजोल्व सम फूड, कुछ फूड को भी क्या करता है म्यूकस डिजोल्व करता है और क्या करता है लुब्रिकेशन ऑफ इसोफेगस। ठीक है, अब सुनो कि जो अपने सलाइवरी ग्लैंड हैं, ऐसे सलाइवरी ग्लैंड और किस में होती हैं, पिग में भी होती हैं, किस में होती हैं, पिग में भी होती हैं, लेकिन स्लाइ और वही काम परफॉर्म करती हैं जो हमारे पास होता है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो इसके अंदर होता है। सलाइवरी ग्लैंड है तो यहां पर हम बताएंगे पिग में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, फंक्शन परफॉर्म करेगा सेम, लेकिन जैसे कुछ कैटल्स हैं, कैटल्स हैं लाइक काव लाइक बफेलो, ठीक है बफेलोज, इनके अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती है, समझ गए, तो इनमें ये सलाइवरी ग्लैंड नहीं है तो यहां पर डाइजेशन नहीं होगा स्टार्च का माउथ में। ठीक है, तो ये था बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी। अब हम स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, वो है स्टमक। देखिए बेटा हमारा जो स्टमक है यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, पॉइंट क्लियर, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इवन दो क्वेश्चन है, इवन दो स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है इवन दो स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम, स्टमक में गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम है फिर भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टमक में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है छोटा सा है क्या कि सर स्लाइवरी अमाइलेज, आप ऐसे बोलें कि बिकॉज स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम रिक्वायर्स पीएच कितना 6.8 टू एक्ट, बट स्टमक हैज एसिडिक पीएच, कैसा पीएच है एसिडिक, इस वजह से सो दैट स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है सॉरी स्लाइवरी अमाइलेज नहीं, यहां पर हम बोलेंगे बेटे गैस्ट्रिक अमाइलेज, यहां पर भी स्लाइवरी बोल दिया सॉरी इसके लिए गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम, क्योंकि स्टमक है, स्टमक में क्या आएगा गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम आएगा, मैंने यहां बताया था, यहां बाय फॉल्ट यहां हो गया, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम है तो गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम जो है यहां पर इनएक्टिव रहेगा क्योंकि उसको पीएच नहीं मिला है सुटेबल, इसलिए स्टमक के अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो कुछ बातें ध्यान रखनी बेटा, इन रेस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है जब कोई भी यहां पर स्टिमुलस मिला, कोई भी स्टिमुलस का मतलब यहां से हमारा मीन है फूड के लिए, ठीक है, और वो स्टिमुलस कौन लेकर आता है, वेगस नर्व, वेगस नर्व है वो स्टिमुलस लेकर आई है, देखो क्या बताया मैंने, वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व कौन सी होता है बेटा, क्रेनियल नर्व होती है, ये टेंथ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ठीक है उसको हम वेगस नर्व कहते हैं। ठीक है, और ये स्टिमुलस के थ्रू ब्रूनर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं, ब्रूनर ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं किसके लिए, इनके सीक्रेशंस को सीक्रेट करने के लिए। ठीक है, और वो सीक्रेशन क्या हो सकता है, वो सीक्रेशन क्या हो सकता है, देखो सुनो,
लेस विस्कस, प्रॉपर्टी बता रहा हूं, विस्कस, एंजाइम फ्री। सुनो ध्यान से, वो सीक्रेशन है ब्रूनर ग्लैंड का, उसके अंदर क्या क्या होगा, लेस विस्कस फ्लूड होता है, ठीक है, एंजाइम फ्री फ्लूड होता है, अल्कलाइन होता है, क्या है, अल्कलाइन है, और वाटरी म्यूकोइड फ्लूड है ये, ठीक है ना, कैसा ये, वाटरी म्यूकोइड फ्लूड मींस म्यूकस कंटेनिंग फ्लूड, क्या है, म्यूकोइड फ्लूड। ये जो फ्लूड है ये म्यूकोइड फ्लूड है, म्यूकस कंटेनिंग, हमने कल भी बताया था, प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ ड्यूडेनम बीइंग डाइजेस्टेड बाय सॉरी बीइंग डाइजेस्टेड की बजाय हम यहां कहेंगे फ्रॉम काइम, और काइम का नेचर कैसा बताया था, एसिडिक, ध्यान आया, काइम क्या था बेटा, वो एसिडिक फ्लूड, सेमी डाइजेस्टेड फ्लूड जो स्टमक से आता है, स्टमक से जो सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक जो फ्लूड होता है, कंपोनेंट है फूड का, उसको हमने क्या कहा था, काइम। तो जो काइम है ये एसिडिक है, और ड्यूडेनम को इस एसिडिटी से बचाता है म्यूकस। दोबारा से सुनो, ये सीक्रेशन है, म्यूकस आया, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ द ड्यूडेनम को फ्रॉम काइम, काइम की एसिडिटी से। ये कौन सी, कहां से आता है ये, स्टमक, कहने का मतलब ये हुआ स्टमक से जो एसिडिक फूड आता है उससे ड्यूडेनम की वाल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और कब तक प्रोटेक्ट करता है, जब तक, देखो इसके नीचे इसको, अब ड्यूडेनम को क्या मिलता है, पैनक्रियाज का सीक्रेशन, तो कब तक प्रोटेक्ट करके रखता है ड्यूडेनम की वाल को, काइम से, जब तक पैनक्रियाज का अल्कलाइन सीक्रेशन, पैनक्रियाज का एल्कलाइन सीक्रेशन इसको नहीं मिलता है, जब तक, अंटिल, यहां हम अंटिल लिख देते हैं, अंटिल पैनक्रियाटिक, अंटिल पैनक्रियाटिक अल्कलाइन जूस मीट्स दिस पॉइंट, जब तक यहां नहीं आता है, जब तक इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, और इसी के साथ साथ यहां पर क्या आता है, बाइल भी आता है, ध्यान आया, कल हमने बताया था कि भाई जो, एक सेकंड के लिए फिर देख लो, ये अपना पेनक्रियास, ठीक है, ये अपना लीवर, ये लीवर, ये पेनक्रियास, तो क्या बोला बेटा, पैनक्रियाज के साथ साथ क्या आएगा, लीवर का भी सीक्रेशन आएगा ड्यूडेनम में, तो यहां से भी सीक्रेशन आ रहा है और यहां से भी, तो ये जब तक ये सीक्रेशन दोनों नहीं आते हैं, तब तक कौन बचा कर रखता है ड्यूडेनम की वाल को, म्यूकस विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छोटा सा पॉइंट और बचा बेटा इसमें, कि कल भी बताया था डाइजेशन होता है फूड का, और फूड में क्या क्या होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होती है, फैट का मतलब लिपिड भी बताया था कल, ठीक है, और प्रोटीन्स भी होते हैं, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन भी क्या है, सेम, यही एक सेम कंपोजिशन है, तो बेटा जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती, मान लीजिए ये फूड है ड्यूडेनम में, ठीक है, तो इसमें ये फूड है, ठीक, जो इस फूड का डाइजेशन यहां हो रहा है तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन तो सेम है, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं टूट रही है, इसी का आंसर है ये, कि सर
इसकी जो अपनी एपिथीलियम है, इनर एपिथीलियम है, इट इज कवर्ड विद म्यूकस, इट इज कवर्ड विद म्यूकस, जिसकी वजह से म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर म्यूकस की वजह से जो यहाँ पर डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है जो इनको डाइजेस्ट करेंगे वो सेल मेम्ब्रेन के टच में नहीं आ पाते हैं और वहां पर वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, पहले तो हमने क्या बताया, जनरल बातें बताई हैं। अब आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि अभी अभी भी बताया था कि ये ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और यहां से किसका सीक्रेशन आएगा भाई, पैनक्रियाज का, और यहां से क्या आएगा भाई, लीवर का। ठीक है, तो यहां तो हो गया लीवर और ये पैनक्रियाज। तो हमने जनरल बातें की हैं, तो ये देखो पैनक्रियाज भी तो अपना सीक्रेशन इसमें डालेगा, तो पैनक्रियाज क्या क्या डाल रहा है और फिर इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड है वो क्या क्या करेंगे, इनका हम जो है स्टडी अभी करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले देखते हैं, देखो अभी बताया था पैनक्रियाज ज्वाइन करता है, तो बेटा पैनक्रियाज सीक्रेट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। और बेटा पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। क्या होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी जगह है लेकिन अमाइलेज एंजाइम ही एक्ट करेगा, माइंड इट। ठीक है, स्टार्च के लिए, तो स्टार्च के लिए पैनक्रियाज का जो सीक्रेशन है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए वो होता है बेटा अमाइलेज। और ये सिंपल अमाइलेज है लेकिन ये होता है अल्फा अमाइलेज। अल्फा और बीटा क्या होते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा है कि यहां स्टार्च आया भाई 30% ही तो डाइजेस्ट हुआ था ओरल कैविटी में। अब यहां ये स्लाइड पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा और इस स्टार्च को तोड़ देगा, किसमें ये पता आपको क्या, कॉम्प्लेक्स, और ये अब सिंपल में तोड़ेगा। सिंपल क्या बताए थे पॉइंट हमने, माल्टोज, फिर आइसोमाल्टोज और फिर डेक्सट्रीन। पॉइंट क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स हैं तीन, ये जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है ये डाइसैक्राइड, ये क्या था, पॉलीसैक्राइड। फिर बता देता हूं ये क्या है, पॉलीसैक्राइड, और पॉलीसैक्राइड कैसे हो गए भाई, कॉम्प्लेक्स। इनसे कुछ सिंपल हैं वो क्या होते हैं, डाइसैक्राइड्स। क्या है? डाइसैक्राइड। तो ये क्या हो गया आपके पास में, डाइसैक्राइड। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन था, कहां है ये सारा सारा एक्शन, इन ड्यूडेनम में। कहां है? ड्यूडेनम में। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड और इंटेस्टिनल जूस का क्या काम है। इंटेस्टिनल जूस है, आपको पता बेटा इंटेस्टिनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, और इस जूस में होता क्या क्या है, इस जूस में ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो मैं आप लिखने जा रहा हूं। ठीक है, कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स, कंटेन्स एंजाइम्स जो मैं अभी लिख रहा हूं, जैसे कि माल्टेज, जैसे कि आइसोमाल्टेज, जैसे कि लैक्टेज। ठीक है, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। ठीक है, और क्या बताया, सुक्रेज, और डेक्सट्रीन के लिए क्या होगा, डेक्सट्रीनेज, अल्फा डेक्सट्रीनेज। बेटा अब कहेंगे आप सर ये तो रटने पड़ेंगे, नहीं बेटा देखो सिंपल सी बात है, हमने जब अब डाइजेशन किया था, चाहे वो ओरल कैविटी हो चाहे वो इंटेस्टाइन हो, लास्ट में प्रोडक्ट जो बने थे वो ये बने थे, देखो ध्यान से, माल्टोज। ठीक है, आइसोमाल्टोज। ठीक,
लैक्टोज और सुक्रोज और डेक्सट्रिन। क्या है? डेक्सट्रिन, अल्फा डेक्सट्रिन आप बोलो। ठीक है, अब देखो सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर वही एंजाइम एक्ट करेगा। जैसे माल्टेज को ब्रेक डाउन, सॉरी माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम कौन सा हो गया? माल्टेज। ठीक है, और माल्टोज को किस में तोड़ देगा? जिससे माल्टोज बना हुआ है। और माल्टोज किससे बना हुआ बेटा? ग्लूकोज यूनिट से। कितनी? 2 यूनिट से। क्योंकि ये सारे के सारे मैंने क्या बताए थे, क्या है सारे सारे? डाइसैकराइड। और डाइसैकराइड वो होते हैं जिनमें 2 ग्लूकोज यूनिट होंगी, चाहे वो ग्लूकोज यूनिट हो, चाहे फ्रक्टोज यूनिट हो, चाहे वो गैलेक्टोज यूनिट हो, लेकिन यूनिट क्या होंगी उसमें? 2। ठीक है, तो देखो माल्टोज में 2 यूनिट हैं, वो क्या हैं? ग्लूकोज। तो ये 2 यूनिट हैं, ये क्या हो गए बेटा? मोनोमेरिक यूनिट। यहाँ क्योंकि ये रिपीट होकर ही 2 अगर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। और बहुत सारी जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगा? वो स्टार्च। ठीक है, और ऐसे ही जो आइसो माल्टोज है इनका केमिकल स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस है बाकी क्या है? सेम कंपोजिशन है। तो क्या होगा यहां पर? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऐसे लैक्टोज है तो लैक्टोज किस में ब्रेक डाउन होगा? जिससे ये बना हुआ है। तो बेटा लैक्टोज किसके किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो लैक्टेज ने लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, ऐसे हमारे पास अब आता है सुक्रोज। तो बेटा सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम है वो क्या है? सुक्रेज। सुक्रोज क्या है? एक सुगर। ये सारे सारे क्या हैं? सुगर। और ये किस किस से बना हुआ है? उसी में ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो किससे बना हुआ है ये? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इनसे ये बना हुआ है। तो सुक्रोज है वो सुक्रेज एंजाइम के हेल्प से ग्लूकोज प्लस ब्लैक फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब है हमारे पास डेक्सट्रीन, तो डेक्सट्रीन की बात करेंगे। ठीक है, डेक्सट्रीन किस में टूटेगा? केवल ग्लूकोज में। केवल किस में टूटा? ग्लूकोज में। तो ये था बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे ओरल कैविटी में कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं और किस पीएच पर वो काम करते हैं। अब हमने स्टडी किया फिर उसके बाद में स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा पहले तो पैनक्रियाटिक जूस का रोल, फिर हमने देखा इंटेस्टिनल जूस का रोल। और इस प्रकार से कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये थी बेटा आज की अपनी क्लास। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आया है, और नहीं आया तो कोई पॉइंट अगर आपका बचा हुआ, कोई क्वेरी हो तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास में उसके लिए नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू।